हाय फ्रेंड, क्या आपको भी मेरी तरह इतना ही यमी आलू बैंगन की सब्जी बनानी और एकदम नए तरीके से? चलिए देखने को, तो मैं आपको सिखाती हूँ कि ऐसी सब्जी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बैंगन आलू की एक बहुत ही अलग तरीके की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने बैंगन आलू को कट कर लिया है और पानी में डाल दिया, जिससे ये काला ना हो। उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा गाजर लिया है और दो मूली है, मैंने इसको कट कर लिया है। और इसमें हम प्याज का यूज़ नहीं करेंगे। दो टमाटर मैंने कट किए हैं, ये मैंने हल्दी लिया है, सब्जी मसाला है। और यहाँ पर देखिए, लहसुन और प्याज को मैं लहसुन और मिर्च को मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। और यहाँ देखिए, मैंने मसाले में क्या लिया है, मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, दो तेज़पत्ता लिया है, थोड़ी सी हींग ली है। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप गर्म तेल में से यूज कर सकते हो, उससे हींग का टेस्ट आपको नहीं समझ में आएगा। बट अगर आपको नहीं पसंद है आप उसको स्किप कर सकते हो। जब हल्का सा जलेगा तो इसमें मैं गाजर और जो मैंने मूली कटा है इसको डाल दूंगी। तो बहुत अलग तरीके से ये सब्जी बनती है और एक बार आप जरूर ट्राई करना और बहुत अमेजिंग टेस्ट देगा। अभी तक आपने आलू के बैंगन की बहुत सब्जी खाई होगी बट इस तरह के टेस्ट वाली सब्जी नहीं खाई होगी, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देना करते हुए, अब मैं इसमें जो मैंने मूली और गाजर काटा था उसको डाल दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तब तक मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, बने रही मेरे चैनल। अब देखिए, यहाँ पे हल्का फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसके बाद इसमें नमक डालूंगी स्वादानुसार, जैसा कि हम अपने खाते हैं इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी अभी, क्योंकि नमक डालने से ना जो टमाटर है बहुत अच्छे से जल्दी गल जाते हैं। आप प्याज के साथ भी ऐसा कर सकते हो, जब आप प्याज वाली कोई सब्जी बना नमक डालोगे तो कम तेल में भी वो सब्जी अच्छी बनती है। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। अब मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। थोड़ा ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बने रहिए मेरे चैनल। ये देखिए, टमाटर हो चुका है। अब मैं इसमें आलू और जो मैंने यहाँ पे आलू और बैंगन लिया है इसको इसमें डाल दूँगी। अभी तक मैंने कुछ मसालों का यूज़ नहीं किया है। अब एक बार ज़रूर इस टैक में से एक सब्ज़ी बना के देखिएगा। ये देखिए, बैंगन को इसमें डाल दूँगी, आलू और बैंगन को। देख सकते हैं इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। और मैं इसको ढक दूंगी और इसको पकने दूंगी। अब देखिए, बैगन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें हल्दी नमक सब्जी मसाला डालेंगे। देखिए, मैंने इसमें हल्दी डाल दिया 2 चम्मच इस वाले चम्मच से। इसके बाद मैं इसमें ढाई चम्मच सब्जी मसाला डालूंगी। अब जब सब्जी मसाला यूज करते हैं, अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, क्योंकि अब मसालों को उनके साथ पकना अच्छा है अच्छी तरह से। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर मैं उनको अच्छे से पकाऊंगे। थोड़े बहुत बने लोग हमारे चैनल पर भी। ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया, इसको ढक दूँगी और इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। ये देखिए, अब हम इसमें जो मैंने लहसुन और मिर्ची का ना पेस्ट बनाया था, अब मैं इसमें डालूँगी। इससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। एक बार आप इस ट्रिक से ज़रूर सब्जी बनाइए कि ये देखिए, अब हम इन लहसुन और मिर्ची को इन मसालों के साथ पकाएंगे धीमी आँच पर। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे पूरी सब्जियों में, फिर धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। जैसे कि मसाले जो हैं उसका स्वाद भी उसमें एक अलग तरह का स्वाद है, जिससे पहले आपकी सब्जियों में नहीं आती होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से बनाना। अब देखिए, हमारा और जो मिर्च है वो भी सब्जी में अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हो
कितना यमी सब्जी लग रहा है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, पराठे के साथ, दूध के साथ ऐसे सूखी भी खा सकते हो, और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली खानी है तो ग्रेवी वाली भी खा सकते हो। ये आप देख सकते हो। देखिए हम इसको फ्राई कर चुके हैं, अब इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। अगर आपको सूखी चाहिए थी तो आप सूखी निकाल लेते, और मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस हल्का ग्रेवी के लिए। और इसको तेज फ्लेम पे हम रख देंगे और उसे पकने देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा अमूल बटर डाल दूँगी, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छी तरह से सब्जियों में चला दूँगी, और ये आप देख सकते हो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।